सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टोनर है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आता है, तो इसको मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगी। और कोई भी हम लिक्विड प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो उसको हमेशा ऐसे शेक करके अप्लाई करना है ताकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएँ। और मैं इसको अच्छी तरीके से ऐसे डैप टैप करना है अपने फेस में। टोनर लगाने के बाद हमें अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र लेना है और उसे हमें इस तरीके से अप्लाई करना है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, अपना फेवरेट जो भी आप यूज़ करते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अब प्राइमर। प्राइमर मैंने यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट का लिया है, अंडर कवर जेल प्राइमर। बहुत ही अच्छा प्राइमर है, तो हमें बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको यूज़ करना है, बिल्कुल इतना सा। तो जहाँ जहाँ हमारे ओपन लार्ज पोर्स होंगे वहाँ वहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। तो नोज़ के अराउंड हमारे यहाँ पे ज़्यादा हमें लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम होती है, तो हम यहीं यहीं पे अपना प्राइमर अप्लाई करेंगे इधर पे। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का यूज़ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्राइमर ही हो। प्राइमर लगाने के बाद हम थोड़ा देर वेट करेंगे, मतलब 2 से 3 मिनट। तो ये रहा मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, तो इसको वेट यूज़ करना है, वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही हमें यूज़ करना है, तो इसको मैं वेट करके आती हूँ भी। ये रहा हमारा वेट ब्यूटी ब्लेंडर, और आज मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। आज मैं इससे अपना मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। सो चलते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। और इसका जो शेड है वो है W160, वार्म सेंड है इसका, और इसका जो नेम है वो है वार्म सेंड। तो मैं डायरेक्टली अपने फेस में से एप्लीकेटर से फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगाती हूँ जितनी मुझे नीड होती है। तो इस तरीके से मैं डॉट डॉट करके पहले अपने फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा लेयर नहीं बनानी है फेस में, मुझे बिल्कुल लाइट सा मेकअप चाहिए है। और हम जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मतलब जितनी हमें हमारे फेस को नीड होगी उतना ही प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो मेकअप है वो कभी भी केकी नहीं होगा और मेकअप हमेशा ही फ्लॉलेस होगा। तो अच्छी तरीके से हम अपने फेस में इसको डॉट डॉट कर, तो जब भी हम फाउंडेशन लगाएंगे तो इस तरीके से हमें पहले पार्टिकल को एक्टिवेट करना है, और फेस में भी इस तरह से डॉट डॉट करके हम लगाएंगे। और अपने ये नेक एरिया को और मैं ईयर पे भी हल्का हल्का इसको लगाना है। अब हम ब्लेंडर से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडर हमेशा हमें डैबिंग मोशन में ही चलाना है, हमें इस तरह से रब नहीं करना है, ठीक है? हमें इस तरीके से अच्छे से डैब टाइप करके फाउंडेशन को हमें ब्लेंड करना है। इससे क्या होगा ना, ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका बेस बनेगा, तो हमेशा ब्लेंडिंग पे प्रॉपर ध्यान देना है आपको। और अब इसी फाउंडेशन से मैंने अपने अंडर आई एरिया को भी कवर कर लिया है, मैं कंसीलर का यूज़ नहीं करूँगी आज। और इसी से मैंने अपने जितना भी मेरा डार्क एरिया था उसको मैंने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, नेक पे भी मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर ली है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी ब्लेंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लैक्मे का ये रोज़ पाउडर विद सनस्क्रीन। तो इसको मैं
अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। इसमें कुछ इस टाइप का पफ मिल जाता है, तो इससे मैं इसको अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट आज मैं यूज़ कर रही हूँ तो उसके मैं बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और इसको भी मैं ब्लेंडर से ही अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। बेस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को ड्रॉ करूँगी। तो आईब्रोज़ ड्रॉ करने के लिए मैंने ये मोर्फे की मेरी ये पैलेट है जैकलीन हिल, ये मेरी पैलेट है, उससे मैं ब्लैक कलर लूँगी। ब्लैक कलर बिल्कुल लाइट सा लेना है, मैं एकदम से नहीं भरना है। तो इस कलर से मैं अपनी आईब्रोज़ को प्रॉपरली ड्रॉ करूँगी। आईब्रोज़ को हमेशा मैं आर्क से स्ट्रेच करके हमें इस तरीके से फिल करना है। और हमें दूसरी आईब्रो को भी इस तरीके से फिल करना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी आईब्रोज़ को अच्छी तरीके से फिल कर लिया है और दोनों ही आईब्रोज़ इक्वल लग रही हैं। अब मैं इसके बाद लूँगी इस टाइप का ये आई शेडो फ्लफी ब्रश और अपने आई मेकअप को मैं कंप्लीट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे मैं लूँगी बहुत ही ज़्यादा लाइट सा, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ट्रांजिशन शेड। तो हमें इस तरीके से इसको मैं लूँगी और थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके मैं अपनी क्रीज को बिल्डअप करूँगी। सेम दूसरे आईज में भी इसी तरीके से क्रीज को बिल्डअप करेंगे। मैंने दोनों ही आईज की जो क्रीज है वो अच्छी तरीके से मैंने बिल्डअप कर ली है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी क्रीज जो है वो बिल्डअप हो गई है। अब मैं थोड़ा सा डार्कर शेड लूँगी एक, तो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ ये वाला शेड। मुझे आई मेकअप बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तो उससे थोड़ा सा डार्कर शेड, इसको भी हम डस्ट ऑफ करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क आई मेकअप नहीं चाहिए तो इसको भी मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग हमें प्रॉपरली करनी है ताकि जो दोनों शेड है वो एक दूसरे से मर्ज हो जाए। और इसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो, इस तरह से थोड़ा सा ब्लेंडिंग करूँगी क्योंकि थोड़ा सा डार्क अच्छा लगेगा यहाँ पे। एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। तो हमारा जो आई मेकअप है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, बट अभी हमारा बच्चा है। तो गाइस मेरा लाइनर नहीं मिल रहा है तो मैं इस लैक्मे के काजल से ही काम चलाऊंगी। तो इससे ही मैं एक पतला प्रिसाइज लाइनर ड्रॉ करूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो लाइनर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग चुका है। और अब मैं थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे भी मैं अपने आई शेडो को इस तरीके से ब्लेंड करूँगी।
उसके बाद हमारा बचता है अब मस्कारा। गाइस बहुत सा सामान जो है ना वो मेरा पता नहीं कहाँ चला गया है, वो मिल नहीं रहा है। तो मस्कारा मेरा नहीं मिल रहा है। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक लिए मैं ले रही हूँ ये वाला शेड। इसको मैं अच्छे तरीके से लगाऊंगी अपनी लिप्स में। इसको मैं अच्छे तरीके से लिप्स पे लगाऊंगी। अब थोड़ा ये ड्राई होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना मेकअप। ब्रश वगैरह मैं आज नहीं लगाऊंगी, हाइलाइटर भी मैं यूज़ नहीं करूँगी। थोड़ा सा नोज़ पे मैं ज़रूर यूज़ करूँगी, तो नोज़ के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लगा लिया है। सो गाइज ये रहा मेरा ग्लैम नाइट पार्टी मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को मेरा मेकअप लुक बहुत ही पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग और भी मेकअप लुक चाहते हैं सो मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगी। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक? और अगर आप लोगों को मेरा मेकअप लुक पसंद आया सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।